सब्सक्राइब करें और देखें हर मंडे एक हिला देने वाली हॉरर स्टोरी। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। आपने कई हॉरर स्टोरी सुनी होंगी, लेकिन इस हॉरर लेजेंड को सुनकर शायद आप फिर कभी कोई डॉल नहीं खरीदेंगे। ये कहानी दुनिया के सबसे पॉपुलर हॉरर लेजेंड्स में से एक एनाबेल डॉल की सच्ची कहानी पर बेस्ड है। एनाबेल की कहानी शुरू हुई 1970 में, जब नर्स की पढ़ाई कर रही डोना को उसकी मां ने एक एंटीक डॉल गिफ्ट करी। डोना को बचपन से ही खिलौनों का बहुत शौक था और इसलिए वो कॉलेज में होने के बावजूद डॉल्स के साथ खेलना पसंद करती थी। नर्सिंग की पढ़ाई के दौरान डोना अपनी रूममेट एंजी के साथ एक अपार्टमेंट में रहती थी। डोना अपनी माँ के गिफ्ट से बहुत खुश थी। वो कॉलेज से वापस आकर उसी डॉल से बहुत सारी बातें करती और अपने साथ ही बेड पर उसे सुला भी देती। कुछ दिनों बाद एक बार जब वो कॉलेज से वापस आई तो डोना ने देखा कि उसकी डॉल बाहर सोफे पर पड़ी है, लेकिन जहां तक उसे याद था वो डॉल को अपने बेडरूम में अपने बेड पर ही छोड़कर गई थी। जब डोना ने ये बात एंजी को बताई तो एंजी ने कहा कि उसने भी ये नोटिस किया है कि ये डॉल अपने आप एक जगह से दूसरी जगह आ जाती है। उस दिन के बाद से वो दोनों गौर से उस डॉल के मूवमेंट्स पर ध्यान देने लगे। जब भी वो दोनों घर आते डॉल की पोजीशन बदली होती थी। वो लोग कॉलेज जाने से पहले डॉल को किसी रूम में रखते और वापस आके देखते तो वो किसी और ही रूम में होती थी। धीरे धीरे ये चीजें बढ़ती गईं और कुछ दिनों बाद ये घटनाएं और भी डरावनी होने लगी। एक रात डोना डॉल को अपने रूम की चेयर पर रख कर अपने बेड पर सोने आ गई। देर रात उसे कुछ खिटपिट सी सुनाई दी जिससे उसकी नींद टूट गई। जब उसने हल्की सी आंख खोली तो उसे ऐसा लगा जैसे उस डॉल ने अपनी गर्दन घुमाई। डोना को एकदम से उसकी घूरती हुई आंखों से बहुत डर लगा। वो तुरंत उठ खड़ी हुई और उस डॉल को बाहर सोफे पर रख कर वापस सोने आ गई। कुछ और दिन बीते और घर में ऐसी अनयूजुअल घटनाएं बढ़ने लगी। एक शाम जब डोना और एंजी कॉलेज से वापस आए तो उन्होंने देखा कि अपार्टमेंट के कॉरिडोर में बहुत सारे पेपर्स पड़े थे जिस पर किसी बच्चे की हैंडराइटिंग में लिखा था हेल्प मी, और कॉरिडोर के एंड पर डोना की डॉल थी जो एंजी के रूम के दरवाजे से सटी हुई थी। वो दोनों पेपर्स पढ़कर काफी घबरा गए। डोना जब उस डॉल के पास गई तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उस डॉल के चेहरे पर खून लगा हुआ था और उसके बाल खून से लथपथ थे। इस घटना के तुरंत बाद ही उन्होंने चर्च के एक प्रीस्ट को बुला लिया, जिसने बताया कि वो डॉल पोजेस्ड है, यानी उस डॉल के अंदर एक आत्मा है। जब उस प्रीस्ट ने उस आत्मा से बात करी तो उस आत्मा ने बताया कि वो एक 7 साल की बच्ची है जिसका नाम है एनाबेल हिगिंस, और उसकी मौत डोना और एंजी के अपार्टमेंट के नीचे एक रोड एक्सीडेंट में हुई थी। एनाबेल ने यह भी बताया कि वो डोना और एंजी के साथ सेफ फील करती है और वो उनके पास ही रहना चाहती है। डोना और एंजी को एनाबेल की कहानी सुनकर दुख हुआ और इसीलिए उन्होंने उसे अपने साथ रखने का डिसीजन लिया। डोना को लगा कि 7 साल की छोटी बच्ची किसी को क्या चोट पहुंचाएगी, पर डोना को ये नहीं पता था कि उसकी बात जल्द ही गलत साबित होने वाली है। एंजी का एक बॉयफ्रेंड था लू, जो कभी कभी उनके अपार्टमेंट में रहने आता था। जब एंजी ने उसे एनाबेल के बारे में बताया तो लू बहुत घबरा गया। उसने कहा कि उसे वो डॉल शुरू से ही बहुत अजीब लगती है और डोना और एंजी को उस डॉल को अपने साथ नहीं रखना चाहिए, पर वो दोनों नहीं माने। एक रात सोते हुए जब लू की आंख खुली तो लू ने फील किया कि वो अपने शरीर को हिला नहीं पा रहा था। वो घबरा गया
और उसे एक छोटी बच्ची की हंसी सुनाई दी। उसने जब नीचे अपने पैरों की तरफ देखा तो उसे एनाबेल डॉल दिखी, जो उसके देखते ही उसकी छाती पर आके बैठ गई और उसका गला घुटना शुरू हो गया। लू इतना डर गया था कि वो बेहोश हो गया। अगले दिन जब उसे होश आया तो उसने देखा कि एनाबेल तो अपने रूम में ही है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रात को जो उसने एक्सपीरियंस किया वो एक भयानक सपना था या असलियत में ऐसा कुछ हुआ था। लू और एंजी अपार्टमेंट में अकेले थे। अचानक डोना के कमरे से उन्हें किसी चीज के बहुत जोर से गिरने की आवाज आई। उन्हें लगा कि उस अपार्टमेंट में शायद कोई चोर घुस आया है। लू जल्दी से डोना के रूम में गया, लेकिन वो रूम तो एकदम खाली था। वहां बस एनाबेल डॉल थी जो फर्श पर पड़ी थी। लू को एक छोटी लड़की की हंसी सुनाई दी। वो वही हंसी थी जो कल रात उसने शायद अपने सपने में सुनी थी। उसे लगा उसके पीछे कोई है, पर जब वो पीछे मुड़ा तो वहां कोई नहीं था। अचानक लू के सीने में बहुत तेज दर्द शुरू हुआ और जब उसने अपनी छाती को छुआ तो वहां से खून बह रहा था। इतने में एंजी वहां आ गई और उसने देखा कि लू की बॉडी पर किसी के आड़े टेढ़े नोचने के निशान हैं। इस हादसे के बाद डोना और एंजी को लगा कि चीजें बहुत बिगड़ रही हैं और इसीलिए उन्होंने मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स लॉरेन और एड वॉरेन की मदद ली। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें पता चला कि उस डॉल के अंदर कोई 7 साल की बच्ची की आत्मा नहीं बल्कि एक शैतान है जो बच्ची होने का नाटक कर रहा था, और उसका मकसद प्यार पाना नहीं बल्कि डोना के शरीर पर कब्जा करना था। वॉरेंस ने उस घर का एग्जॉर्सिज्म किया और डोना और एंजी से वो डॉल लेकर वहां से चले गए। उस दिन के बाद से डोना, एंजी और लू के साथ कभी ऐसा कोई हादसा नहीं घटा।